ओम नमः शिवाय। स्वपन दोष और रामबाण वशीकरण। बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्हें रात को सोते समय गंदे स्वप्न आने के कारण उन्हें स्वपन दोष हो जाता है और वे जब सुबह उठते हैं वो परेशान हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि कब किस समय स्वपन दोष हो गया और वे बहुत ही ज़्यादा इस समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ भी ली, उसके बाद भी उनकी स्वपन दोष की बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। उन्हें रोजाना रात को स्वपन दोष हो जाता है और सुबह जब वे उठते हैं तब बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वे छुपते छुपाते अपने घर वालों से बाथरूम में जाकर बहुत ही मुश्किल से वे कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद वे दूसरा कार्य करते हैं। ये स्वपन दोष की बीमारी जो युवा लड़की लड़के हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा होती है। उन ये सब बड़ों के साथ भी बहुत ही ज़्यादा होता है। इस पर बहुत कम विधियाँ बताई जाती हैं। आज की ये विधि इतनी कारगर है, यदि आप 2 दिन भी आप इस रामबाण वशीकरण का प्रयोग करते हैं, जो आपको रोजाना स्वप्न दोष हो रहा था, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, आप 2 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको 2 दिन में बिल्कुल भी स्वप्न दोष नहीं होगा। उससे पहले मैं सभी साधक साध्वियों को बताना चाहूँगा, जो हमारे द्वारा बताई हुई सभी विधियों को देखते हैं, उन विधियों के प्रयोग से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं या जो भी उनके साथ गलत हो रहा है उन्हें ठीक करने के लिए हमारे द्वारा बताई हुई विधियों का प्रयोग करते हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी साधक साध्वियों को हमारी एक भी विधि का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ना ही उन्हें हमारे द्वारा बताई हुई किसी भी विधि का किसी वशीकरण का वीडियो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सभी साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और आपके जो भी कार्य हैं, जिस भी कार्य में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, जो जिस कार्य को आप पूर्ण करना चाहते हैं उस कार्य को बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सके। और जिन भी साधक साध्वियों इस विधि की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो, उन सभी साधक साध्वियों को इस वशीकरण विधि पर जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ये बहुत से ऐसे साधक साध्वियों के साथ होता है जो इससे बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है और वो हमें बहुत लंबे समय से इस समस्या को लेकर बहुत ही ज़्यादा मैसेज कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कॉल कर रहे थे। जब तक हमें इसका अच्छा परिणाम नहीं मिला तब तक हम आपको इस विधि को शेयर करना नहीं चाह रहे थे। और आज अभी कुछ समय पहले ही इसका बहुत ही अच्छा परिणाम, जिसको भी हमने बताया है उनको 7 दिन हो गए हैं इस विधि को प्रयोग करते हुए, अभी तक उन्हें ऐसी गंदे स्वप्न नहीं आए हैं। जो डरावने स्वप्न आते थे जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे, वे बिल्कुल ही स्वप्न बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। आपने करना क्या है, आपने केवल और केवल माचिस की 2 तीलियों को आपने अपने जेब में रख लेना है, जो आपके कमीज की जेब है उसमें आपने इन 2 तीलियों को रख लेना है और 2 तीलियों को रख कर आप सो जाएं। आप देखेंगे आपको बिल्कुल भी पूरे स्वप्न नहीं आएंगे, आपको स्वप्न दोष हो रहा था वो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो उससे आप बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक साध्वी हैं जिन्हें इस समस्याओं का बिल्कुल भी समाधान नहीं मिल रहा है और ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। माचिस सभी के घर में होती है तो हर एक कोई इसको बहुत ही आसानी से कर सके। तो हमने बहुत ही समय बाद इसका तोड़ निकाला है, ये बहुत ही रामबाण वशीकरण है, इसे आप बहुत ही आसानी से अपनी उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। केवल और केवल आपने 2 ही तीलियों का प्रयोग करना है, अपनी कमीज की ऊपर वाली पॉकेट में आपने ये दोनों रखनी है। सभी साधक साध्वी इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर हमें डीएम करें या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।